नमस्कार। शाम 4 बजे से नहीं शुरू हो सकी ट्रेन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग, रेलवे ने ट्वीट कर कही यह बात। जानते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय की कल अर्थात मंगलवार से रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना है। रेल मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसकी योजना चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों को चलाने की है। इस बीच रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए हैं। इसी बीच टिकटों की बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से यह शुरू नहीं हो सकी। अब रेल मंत्रालय ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, विशेष ट्रेनों से संबंधित डेटा IRCTC वेबसाइट में फीड किया जा रहा है। ट्रेन टिकटों की बुकिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। असुविधा के लिए खेद है। बता दें कि अब बुकिंग शाम 6 बजे से शुरू होगी। बता दें कि 12 मई से कई पैसेंजर ट्रेनें भी चलेंगी। इसके बाद रेलवे कुछ नए रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चला सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि टिकटों की बुकिंग सोमवार शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। फिलहाल एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। यात्रा के टिकट के लिए कहीं भी काउंटर नहीं खोला जाएगा। यात्रा करने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी यात्री में कोरोना के कोई भी लक्षण पाए जाने पर उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन ट्रेनों में स्टॉपेज भी काफी कम होंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली से रांची आने के लिए ट्रेन सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार को चलेगी, जो 13 मई बुधवार से शुरू होगी। वहीं रांची से नई दिल्ली जाने के लिए गुरुवार और रविवार को ट्रेनें चलेंगी, जो 14 मई से शुरू होगी। इन दोनों स्टॉपेज के बीच में जो स्टॉपेज हैं वो हैं बरकाकाना, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल। बस इतने ही स्टॉपेज इन दोनों स्टेशनों के मध्य होंगे। धन्यवाद।